हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मम्मी बावर्ची। आज मैं बनाने वाली हूँ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और उम्दा किस्म की रेसिपी। इसे ईद पे ज़रूर बनाएं, ट्राई करें आप। शाही वाइट चिकन बिरयानी बनाने वाली हूँ, इसको सुफियाना बिरयानी भी कह लें आप। झटपट से बन जाएगी आपकी ईद पे, तो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे है चिकन, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च, हरी इलायची का पाउडर और एक पाव दही ले लिया है मैंने, और चिकन को अच्छे से धो लिया है। मेरे पास बोनलेस चिकन है आधा किलो, आपके पास विद बोन है वो भी ले सकते हैं, हड्डी के साथ भी। हरा धनिया और अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसकी जगह आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है, और हरी मिर्चें डाल देंगे इसमें 5 से 6, और इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। और दही डाल दें, 1 पाव दही है मेरे पास। दही ज़्यादा खट्टा नहीं है, नॉर्मल सा दही है, और इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च और 1 ही टीस्पून काली मिर्च। आपकी सफ़ेद मिर्च नहीं है आपके पास तो आप इसकी जगह काली मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा दें। बस 1 टीस्पून ही हरी इलायची का पाउडर डाल देंगे, और इसमें डाल देंगे अपना गरम मसाला 1 टीस्पून भर के। इसका वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, अगर आपके पास नहीं है, जो है आपके पास वो यूज़ कर लें। और बड़ी इलायची ले लेंगे 2, इसमें डाल देंगे बड़ी इलायची, थोड़ा सा बस खोल लिया है इसको। नमक, और इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। इसमें डाल देंगे, मिक्स करने के बाद तली हुई प्याज आलू ले लेंगे, बस इसको कर लेने के मिक्स करने के बाद। 2 बड़े साइज़ के आलू मैंने कट करके फ्राई कर लिए थे, जिसमें प्याज फ्राई की थी उसी तेल में। 1 कप तली हुई प्याज, और इसको कर लेते हैं मिक्स। जैसे मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे जो प्याज का फ्राई किया था तेल, वो डाल दें 2 टेबल स्पून के करीब, और नींबू का जूस भी डाल देंगे, 1 बड़ा नींबू डाल दें। और इसको रख देंगे आप मैरिनेट करने के लिए आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा रखें, टाइम है आपके पास तो 1 घंटा भी रख सकते हैं आप। और इसको कर लेते हैं मिक्स, नींबू डालने के बाद मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नींबू, नींबू डाल दिया और मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया। और यहाँ पे आधे घंटे के बाद मैरिनेट हो चुका है, चावल मैंने बॉईल कर लिया है, जैसे बिरयानी के लिए बॉईल करते हैं, आधा किलो चावल मैंने बॉईल कर लिया था। और गोश्त का नीचे तह लगा दें, आलू और गोश्त की सारा जो है, आधा कप इसमें दूध डाल देंगे, और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और इसमें जो बॉईल किए थे चावल वो डाल दें। चावल बॉईल करते वक्त मैंने सिर्फ नमक और शाजीरा और धनिया पुदीना डाल दिया था, बस इतना ही। इस तरह से जैसे बिरयानी के लिए बॉईल करते हैं चावल, उसी तरह से मैंने बॉईल कर लिए हैं। और इसको डाल दें, 1 लेयर लगा दें, और 1 लेयर लगाने के बाद हरा धनिया पुदीना तली हुई प्याज ये डाल दें। और फ्रेश क्रीम है मेरे पास 1/2 कप के करीब, फ्रेश क्रीम है घर की मलाई, और इसको 1 टीस्पून कह लें डाल दिया है। और दूसरी लेयर लगा दें अच्छे से। दूसरी लेयर लगाने के बाद और इसमें डाल देंगे, यहाँ पे है मेरे पास 1/4 कप काजू बादाम मिक्स पेस्ट, और इसको मैंने ठंडे पानी इसमें ब्लेंड कर लिया है, और इसमें डाल दिया है जो क्रीम लिया था फ्रेश क्रीम वो डाल दिया। और इसको बस अच्छे से डाल देंगे ऊपर, ऊपर डाल दें। डालने के बाद इसको कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे 1/2 कप जो मैंने नीचे गोश्त में डाल दिया था वो दूध, और 1/2 कप यहाँ, 1 कप के करीब आपको दूध लगेगा। देखिए इस तरह से मैंने बॉईल कर लिए थे चावल, थोड़ा सा ज़्यादा ही कच्चा रखा है मैंने, क्योंकि दूध सब सारी चीज़ें डालना है। हरा धनिया पुदीना सब कुछ डाल दें, तली हुई प्याज, और इसके बाद डालेंगे देसी घी, इसलिए मैंने कम ऑयल डाला था फ्राई करते मैरिनेट करते वक्त। यहाँ पर डाल रही हूँ 2 टीस्पून, और बाद में डालूँगी और
और इसके बाद मैंने डाल दिया 1 टी टेबल स्पून घी। ठीक है, इस तरह से डालने के बाद दम पे रख देंगे। दम पे आप हाई फ्लेम पे भाप आने के बाद 2 मिनट हाई फ्लेम पे रखेंगे। 5 से 7 मिनट बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रख दें, स्लो जिसे कहते हैं उस पे रख दें। और यहाँ पे दम हो चुकी है बिरयानी 10 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम और 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे। देखिए एकदम परफेक्ट खिले खिले चावल। थोड़ा सा भारी तली का पतीला ले लें, भगोना ले लें, और देखिए परफेक्ट एकदम बिरयानी वाइट एकदम पसंद आएगी आपको। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में बन जाएगी। इस तरह से बनाएं ज़रूर इस ईद पे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। गोश्त भी गल चुका है और देखिए इस तरह से गोश्त भी गल चुका है। इसके साथ मैंने बनाई है गिले फिरदौस, इसका वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ। इस ईद पर इस तरह से बना के ज़रूर खाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में रायता रख दें।